वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट रोड। हाँ, ये बोलने के लिए इतनी प्रैक्टिस करी थी भाई मैंने। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स माय प्लेजर टू वेलकम यू बैक टू द चैनल, क्योंकि इट हैज बीन सच अ लॉन्ग टाइम यार, ऑनेस्टली। और डेफिनेटली अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से हो गई अब चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट इन इंडिया एनी मोर, सेकेंड ऑफ ऑल आई एम अ स्टूडेंट। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ पिछले एक साल के अंदर, डैम इट हैज बीन वन ईयर, मैंने एक्चुअली कोई ढंग की वीडियो नहीं बनाई एक साल से। सो जस्ट टेल यू वॉट एग्जैक्टली हैपेंड इन लास्ट वन ईयर। तो कहाँ से शुरू करें यार, बताओ। पिछली जो राइड करी थी धमकी, वो राजस्थान वाली राइड थी ऑनेस्टली, और वही मैं राजस्थान वाला बैच पहन के घूम रहा हूँ आज अपनी रैकेट जैकेट पे। तो यस, तो एक काम करते हैं, पहले एकदम ताज़ी खबर से स्टार्ट करते हैं। ताज़ी खबर ये है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक मोटरसाइकिल खरीद ली है फाइनली। पिछले एक साल से ऑनेस्टली आई बिन वर्किंग विद माई स्टडीज़, और एक साल के अंदर जितना थोड़ा पैसा इकट्ठा कर पाया करके मैंने फाइनली अपनी मोटरसाइकिल ले ली। हाँ, ये तो करना था। इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात थी नहीं। तो द अदर थिंग इज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग नाउ, एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो बेसिकली अराउंड वन एंड हाफ ईयर पहले की बात है, आई गेव माई जीमैट एग्जाम, मुझे एमबीए करनी थी डेफिनेटली, आई एम लिटिल बिट कीन टू वर्ड्स द बिजनेस साइड। तो उसके बाद फिर मैंने जीमैट एग्जाम दिया, आई गॉट एडमिटेड इन टू यूनिवर्सिटी इन US, and then finally I chose a university over here in Davis, that is UC Davis, University of California. और पिछले एक साल से मैं यहीं पढ़ा हूँ एग्जैक्टली। उसके बाद बस को बात ये रहती है, जब आप एक वर्किंग लाइफ से फिर स्टूडेंट लाइफ में ट्रांजिशन करते हो ना, तो थोड़ा मुश्किल होता है फिर से एक स्टूडेंट बनना। और पहले रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं, फिर ज्ञान बांटेंगे। अभी ये देखना, ये बेस्ट पार्ट लगता है, जब भैया जब भी हम यहाँ पे एक फ्रीवे में एक नई लेन ऐड करते हैं ना, जब भी एंट्री मारते हैं फ्रीवे के अंदर, तब स्पीड कैसे गेन करनी होती है, लेट मी शो यू। तो देवी और सज्जनों, पिछले एक साल से मैंने बहुत कुछ किया यहाँ पे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया। आपने काफी सारे नए दोस्त बनाए हैं यहाँ पे, कॉलेज लाइफ के मजे ले रहा हूँ ऑनेस्टली। वर्किंग लाइफ के मजे अलग होते हैं, कॉलेज लाइफ के अलग होते हैं। ओके, आई थिंक आई शुड चेंज द लेन, बड़ा सोचना पड़ता है यार अभी इनिशियली, क्योंकि अभी मुझे फ्रीवेज पे चलाने की एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं है, और फ्रीवे पे चलाना थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। हाँ, तो बेसिकली एक और चीज, जो स्पीड आप मेरे आगे स्पीडोमीटर में देख रहे हो, ये स्पीड बेसिकली माइल्स पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में नहीं है। तो किलोमीटर पर आवर में अभी मैं चल रहा हूँ ऑलमोस्ट कितना, 110-120 की स्पीड पर। अपने को अभी जहाँ जाना है, हम लोग अराउंड 110 किलोमीटर कवर करने वाले हैं। बेसिकली मैं अपने घर से अपने अंकल के घर की तरफ जा रहा हूँ, जो कैलिफोर्निया में ही है, मेरे घर से अराउंड 100 किलोमीटर इन द साउथ। तो बेसिकली अदर वाज सेइंग, एक साल पहले आई गेम जी मैट, एमबीए में एडमिशन हुआ, आई केम ओवर हियर, बिकेम अ स्टूडेंट अगेन, हैप्पी स्टूडेंट लाइफ, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ लाइक एनीथिंग। एंड देन केम द पेंडेमिक, जिसने मेरे पूरे एमबीए के प्लान्स की बात लगा दी। हाँ, तो बेसिकली एक सवाल ये आता है कि मैंने पिछले इतने टाइम में कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई। देखो भाई, सीधी सी बात है, अच्छा कंटेंट होगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं जनरली अवॉइड करता हूँ कि मैं कैसा भी कंटेंट डालूँ अपने चैनल पे। मैंने इनिशियली कुछ स्टार्टिंग के दिनों में मैंने ऐसा वैसा कंटेंट डाला था, मतलब मजबूरन कंटेंट बनाना, जहाँ पे कोई बात निकल नहीं रही है, बस कुछ भी करना है। तो उसमें ना मुझे मजा आता बनाने में, ना आपको देखने में मजा आएगा। हाईवे 80, और इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे हाईवे 680,
और हाईवे 80 और 680 के बीच में एक पैच आता है भाई साहब, उस पैच पे जो विंड ब्लास्ट लगते हैं ना, मतलब ऐसा होता है बाइक लिटरली मेरी आपा बन जाएगी और हवा में उड़ने लगेगी थोड़ी देर में। अभी आएगा बताता हूँ कौन सा वाला पैच है वो। वहां पे मेरी आंखें फटी उठी है ऑनेस्टली, और मैं देख रहा था कि भाई किसी तरीके से वो पैच निकल गया। लेकिन कमाल की बात यह है, उस वाले पैच से आप गाड़ी में जा रहे हो तो सिर्फ ड्राइवर को वो सोचना है कि कैसे निकालना है, बाकी तो जो पैसेंजर है वो तो मजे से नजारा एंजॉय करता है क्योंकि वहां का नजारा बड़ा प्यारा है। एक तरफ माउंटेन है, दूसरी तरफ बीच चल रहा होता है वहां पर। मुझे पुराना KTM का मॉडल उतना पसंद नहीं था जिसमें अंडरबेली एग्जॉस्ट था, उसका यार बिल्कुल आवाज ऐसी आती है जैसे कि एक प्लास्टिक के डब्बे में चम्मच घुमा रहे कोई। और KTM 390 के जो नए मॉडल आए हैं आफ्टर 2017, क्या प्यारी आवाज करते हैं यार, मजा आता है सुन के। उसके बाद ये मैंने डेफिनेटली सेकंड हैंड खरीदी है भाई, और सेकंड हैंड में भी उस बंदे ने बहुत सारे मॉडिफिकेशन लगा रखे हैं। अरे पता है एक बढ़िया सा मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ, तो लद्दाख वाली ट्रिप तो आपने देखी है मेरी, ठीक है। लद्दाख वाली ट्रिप में याद है मेरी बाइक में क्या दिक्कत आई थी, AFR रेशियो और ऑक्सीजन वाली दिक्कत आ रही थी। तो इस भाई ने इस वाली KTM के अंदर इसका ECU ओवरराइड लगा रखा है जो कि ऑटोमेटिकली हवा में ऑक्सीजन देखता है और उसके हिसाब से बाइक का AFR ऑटो ट्यून कर लेता है, और फिर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट वगैरह होते भाई। डिटेल में आपको फिर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली बाइक में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और मुझे ऑनेस्टली पल्सर से KTM में अपग्रेड करने में क्या फील हुआ इसके बारे में एक अच्छे से एकदम प्रॉपर गहराई में उतर के वीडियो बनाई जाएगी। ऐसे नहीं, एकदम जालिम हवाएं चलेंगी यहाँ पे। इस ब्रिज पे सावधान रहे, सतर्क रहे क्योंकि हवाओं का बहाव काफी ज्यादा है, पर नजारा देख रहे हो ब्रो, नजारा देख रहे हो ब्रो। इस ब्रिज बोल रहे दोनों तरफ काफी अच्छा है, पर मैं ज्यादा मुंडी घुमाऊंगा नहीं अपनी तरफ, मैं रोड पे फोकस करता हूँ, आप नजारे फोकस करो। और ये हम लोगों ने मारा एग्जिट फ्रॉम द फ्लाईओवर और अपन को लेना है यहाँ से लेफ्ट। ओहो भाई क्या आराम मिलता है ना स्पीड कम करते, मजा आ गया। लो फ्यूल का इंडिकेशन भी आ गया हमारा क्योंकि सर्टेनली आधा टैंक ऑलरेडी था, और इसकी कैपेसिटी तो आपको पता ही है, पल्सर 200 NS। और ड्यूक का एक जो कॉमन बात है वो ये है कि फ्यूल कैपेसिटी बहुत कम है मेरे भाई। कमाल की बात ये है कि KTM इज ऑल्सो पार्शली ओन्ड बाय बजाज, विच इज एक पार्ट नॉट जस्ट पार्शली, 51% ऑफ KTM इज ओन्ड बाय बजाज। तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं इसमें और अपनी पल्सर में। कमाल है यार, सारी रेड लाइट ग्रीन मिल रही है मेरे पास तो, मतलब इतनी अच्छी किस्मत मेरी। ओहो, अरे मुझे रुकना है मेरे भाई, मुझे अपने बम को आराम देना है। ये मेरे लिए एक तरीके से वैकेशन हुआ, मेरे चाचा रहते हैं यहाँ पे और जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं यहाँ पे आके टपक जाता हूँ। तो दो चीज़ें मिलती हैं, एक बहुत अच्छा माहौल और दूसरा बहुत अच्छा खाना। इंडियन खाना यहाँ बहुत ज़्यादा स्कार्स है, लेकिन अच्छा खाना जहाँ मिल जाए भाई मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। आई लव फूड। इसका रेव देखा है, मस्त। यही तो मैं कह रहा था, इतने आसानी से ग्रीन लाइट नहीं मिलती है अपन को यहाँ पे। ओह मिल गई, देवी और सज्जनों बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस
जर्नी पे आने के लिए, और अभी हम आप लोगों को वापस देखेंगे जब हम इस जर्नी से वापस जाएंगे। तो बातें तो देखो बहुत सारी हैं, और बातें अब मैं कैमरे के सामने बैठ के करूँ या फिर बाइक पे चलते चलते करूँ, तो डेफिनेटली चलते चलते इज मच बेटर, राइट? तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड जस्ट रिमेंबर इट्स ऑल अबाउट द रोड, हैव फन एंड डोंट फॉरगेट, अभी इस चैनल पे वीडियो आएंगी, तो टेक केयर, आई विल सी यू सून, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, अपने आसपास वालों का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, और पेंडेमिक में ज़्यादा हरकतें मत करो, यो ब्रो, आई विल सी यू सून, गुड बाय।